हेलो हाय सत श्री अकाल नमस्कार, तुसीं दिलबाग सिंह और आज है 30th नवंबर 2022। सो आज है मेरा शो रेडिसन होटल, ये जो गुड़गांव में है। बाहर का दिखाओ आप माहौल, मैं सोना रोड के ऊपर हूँ और यहाँ पर हमारा एक शो है आज। और आज हूँ मैं एक स्पेशल मिशन पे, मिशन है बहुत फास्ट 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 का मेरा शो। अगले 24 घंटे में मुझे 3 शो करने हैं। पहला करना है आज गुड़गांव में, दूसरा कल सुबह जयपुर में, तीसरा कल रात को शाम को बीकानेर में। सो ये 3 शो का मेरा टूर है। 24 घंटे में मैंने ट्रैवल भी करना है, खाना भी खाना है और सिंगिंग भी करनी है। सो ये शो, ये पूरा जो ट्रिप है मैं आपको इसके थ्रू दिखाऊंगा, अपने फ़ोन के थ्रू मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और टीम हमारे साथ है, मिस्टर अरोड़ा हमारे साथ है और बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आगे शेयर करूँगा आपके साथ। सो अभी ये स्टार्ट हुआ शो, यहाँ से शाम के बज गए हैं 10, रात के 10 बज गए और आई एम रेडी फॉर टुडे शो। आज वही 30 नवंबर है जो मैंने आपको बताया, रेडिसन ब्लू गुड़गांव मेरा शो है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ शो के लिए। सो ये मेरा पहला शो है, अभी से जर्नी हमारी शुरू हो चुकी है। शाम से मैंने आपको पहला जो वीडियो, पहले मैंने जो बोला, अब उसके आगे की जर्नी शुरू है। आओ चलते शो पर। Moments later, रस्ते में वो जयपुर के शो खत्म कर दिया मैंने। चाय में खुद बना रहा था, चाय को थोड़ा अच्छा आ गया अच्छा। और ये आज की चाय मैं अपने हाथों से बना रहा हूँ, अदरक वाली चाय स्पेशल। इस होटल में थोड़ा सा तो और चुकाव लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है। देखिए चाय तो चाय होती है। क्या कर रहा है अंचल, तू क्या कर रहा है? डांस कर रहा, डांस कुछ और रहा है। सोनी क्यों कर रहे हैं? डांस। हम तीनों अपने पैर झाड़ रहे हैं। यहाँ मिट्टी थी, मुझे अपनी गाड़ी गंदी करनी। लो जी 1 बजे हम चले थे, 5:28 हुए और हम पहुंच गए हैं होटल, जयपुर का मेरा होटल ये वाला है। यहाँ पर मैं पहुंच गया हूँ और सुबह के 5:28 हुए हैं। 6 hours later. हेलो, गुड मॉर्निंग हो गई है मेरी और बज गए हैं दोपहर के 1 और अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपना शो करने के लिए। शो है मेरे सामने उस वाले होटल में और रुका हूँ मैं यहाँ पर और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया मुझे 3 शो करने हैं, तो ये 2nd शो है। अभी मैं सिर्फ टोटल ओवरऑल कल से लेकर अभी तक 4 घंटे 4.5 घंटे सोया हूँ और अब शो करके फटाफट मुझे निकलना है बीकानेर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो मेरी है वो बीकानेर है, लेट्स गो। और मुझे शो शुरू करना है अभी बाहर वाला और अभी मुझे काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत आगे जाना है मुझे भी बहुत आगे जाना दुनिया, मुझे अभी बहुत आगे तक जाना है। सो उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। देखिए बाहर लोग आ चुके हैं, बस 5 मिनट में दूल्हा दुल्हन की एंट्री होगी, उसके बाद मेरा शो शुरू। Moments later. Yo, what's up? मेरा वीर. शो खत्म हो गया हमारा जयपुर वाला और now we are off to बीकानेर। बहुत लंबा रास्ता है हमारा, so मैं निकल चुका हूँ और हमारी गाड़ी में हम लोग 4 जने हैं। और आर्टिस्ट की लाइफ कभी भी इजी नहीं हुई, आपको देखने में लगती है बड़ी आसान लाइफ की, बड़ा मजा ले रहा है, बड़ी लाइफ के मौज ले रहा है, लेकिन जब आप
आर्टिस्ट का ट्रेवल करेंगे और लगातार तीन तीन चार चार घंटे गाएंगे, तो आपको अपनी बॉडी की कैपेसिटी का समझ आएगा और आपको समझ आएगा कि आप जो भी आर्टिस्ट होता है वो कितनी मेहनत करता है। सो मैं मेहनत कर रहा हूँ बड़ी, और भगवान मुझे फल भी देगा, माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, देगी देगी। जय हो, जय माता दी, जय माता दी। नाउ ऑफ टू बीकानेर, और इस मुंडे लगी भूख, डाबले छोटे ने भूख लगी, और साढ़े को लोग खान नु की है। ये किटकैट पार्टी चल रही है, किटकैट पार्टी, क्योंकि ये लास्ट प्रतियोगिता है दिल्ली गुड़गांव, और सानू माजल साहब ने बड़े प्यार नाल दित्ता गिफ्ट। 5 hours later. हेलो जी, सत श्री अकाल। आज बज गए शाम के 9, मैं 4:30 बजे जयपुर से निकला था। 6 घंटे की ड्राइव है जो हमने 4.5 घंटे में खत्म करी है। करण ने बहुत कमाल की गाड़ी चलाई है 140 पे और नॉन स्टॉप हम आए बिना रुके, मतलब हम कहीं भी रुके, पानी लेने के लिए भी नहीं रुके, गाड़ी कहीं नहीं रुकी हमने, 4.5 घंटे में हम पहुंच गए। और क्लाइंट इज वेरी हैप्पी जिनका हम शो करने हैं, ही इज वेरी सपोर्टिव, उसने बहुत प्यार दिया हमें, हमारे हम ही हमारी उम्र का ही है, वसुदेव उनका नाम है, बहुत कमाल का बंदा है, और उसने हमें बहुत सपोर्ट कर दिया। और उसने बोला भैया आप चिंता मत करो, बस आप आराम से आओ, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से जल्दी से आया हूँ। और मैं पहुँच गया हूँ गजनेर पैलेस, जो कि बीकानेर से भी 40 किलोमीटर आगे है, और ये अपने आप में नई चीज़ है। सो अब मैं रेडी हो रहा हूँ अपने शो के लिए, जो मेरा दिन का दूसरा शो है, पहला जयपुर, दूसरा बीकानेर। सी यू देयर। 20 minutes later. ये मेरा दूसरा शो है और 24 घंटे के अंदर ये मेरा तीसरा शो है। सो इट्स वेरी टफ जॉब जो मैंने किया है, लेकिन मुझे मज़ा बड़ा आ रहा है, मैं थका बहुत हूँ लेकिन मुझे मज़ा बड़ा आ रहा है, क्योंकि ये मेरा काम है और मुझे इस काम से प्यार है। आई लव यू ऑल। The next morning. What's up, मेरा वीर, जन्नी संडू, सन्नी जंडू इन द हाउस, what's up मेरा वीर, शो खत्म हो गया बीकानेर दा, और अजीक भरपूर सोए हैं, 24 घंटे दे विच 3 शो कीते ने मैं, और इट्स वेरी हेक्टिक, बट भरपूर नींद लती आती, 3 बजे सो के हुन 11 बजे से उठे हैं, नाउ वे बैक टू दिल्ली। बड़ी सोहनी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट टाइम घूमांगा, इस टाइम घूम नहीं पाया क्योंकि टाइम ही कोई नहीं सी, तो कितने घूमता मैं। यो करन, व्हाट्सअप मेरा वीर। तीनों चीजें मैंने एक ही बंदे में रखी, मैं ज्यादा बंदे रखे नहीं, एक ही बंदे में तीनों क्वालिटी डाल दी, कि तू मेरा भतीजा भी है, तू मेरा दोस्त भी है और तू मेरा भाई भी है। हाँ जी। लो जी, 24 घंटे बिच 24 आवर्स में मैंने 3 शो अपने निपटाए हैं बड़े अच्छे तरीके से, जिसमें मैंने हर शो में 2.5-2.5 घंटे परफॉर्म किया है, 7.5 घंटे के आसपास मैंने परफॉर्म किया, और उसके अलावा लो जी फाइनली जो मेरा एक बहुत ही क्रेजीएस्ट टूर था, 24 घंटे में 3 शो मैंने जो करने थे वो मैंने कर दिए, गुड़गांव, जयपुर, बीकानेर। गुड़गांव में मैंने शो किया 30th रात को, 30 नवंबर 2022 रात को, और जयपुर में मैंने शो किया 1st दिसंबर शाम को, आफ्टरनून कह सकते हैं उसको, 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मैंने वहाँ परफॉर्म किया। 4:30 बजे मैं वहाँ से निकला और सीधा बीकानेर पहुँचा, बीकानेर मैंने शुरू किया परफॉर्म करना रात को 9:30 बजे, और 12:30 तक मैंने परफॉर्म किया। सो ऑलमोस्ट 8 घंटे मैंने परफॉर्म किया, और इसमें मैं 4.5 घंटे के आसपास सोया हूँ, बाकी जो टाइम बचा उसमें मैंने, जिस सीट पे मैं बैठा हूँ इस सीट में अपनी गाड़ी में बैठ के मैंने ट्रैवल किया। ये वन ऑफ द क्रेजीएस्ट टूर मैंने किया है, जो मुझे अब सोच रहा हूँ मैं करने के बाद कि इतनी थकान मुझे हुई, इतना कुछ हुआ, और हमने गाड़ी कितनी तेज चलाई, और हमने शो पे पहुँचने के लिए सारी मेहनत करी, बिना ब्रेक लगाए, बिना रुके हमने, बिना कुछ खाए ये काम किया, जस्ट बिकॉज कि लोग हमें इतना प्यार करते हैं मुझे, कि मेरे शोज बुक करते हैं, मेरी बात पे यकीन करते हैं। जैसे हमारे बीकानेर वाले जो हैं, उनको मैंने बोला था कि मेरा शो है
जयपुर में, वो फिनिश करके मैं 4:30 बजे चलूंगा और मैं आपका शो आपके वेन्यू पर मैं 10 बजे पहुंचूंगा। बीकानेर से भी आ गए, मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी दिखाई भी है, राजगढ़ पैलेस जहां हमने शो किया, बहुत अच्छी जगह थी, गजनौर पैलेस, सॉरी नॉट राजगढ़ पैलेस, गजनौर पैलेस। सो वहां पर भी मैंने परफॉर्म किया। मैंने उनको बोला कि मैं लेट पहुंचूंगा, तो ही सेड कि भैया आप आओ, आप 10 बजे आओ, आप 10:30 बजे आओ, 11 बजे आओ, पर आपने परफॉर्म करना। सो उस प्यार की वजह से मैंने ये शो किया। और जो जयपुर में मैंने शो किया उनको मैंने बोला कि मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे आगे जाना है, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बोला कि आप गाओ, आप पूरे 4:30 बजे नीचे उतर जाना शो से, जबकि मैंने उनको बोला था कि मैं 4 बजे खत्म करूंगा, पर 2 से 4 करना था, लेकिन 2 से 4:30 तक मैंने परफॉर्म किया और उनकी बात पूरी हुई कि मैंने 2:30 बजे तक 2.5 घंटे गाया पूरा, 4:30 बजे मैं वहां से निकला और यहाँ पर आया, और यहाँ पर आके मैंने सीधा शो पे चढ़ा, स्टेज पे चेंज किए कपड़े और शो किया। सारा ये जो मैं व्लॉग बनाया, मैंने पूरा एक पूरा आपको देख के समझ आ ही रहा है कि मैंने कितना क्रेजीएस्ट टूर ये किया है। सो ये सब पॉसिबल होता है जब आपकी टीम आपके साथ सॉलिड होती है और आपके लोग आपके साथ आपकी विल पावर को बढ़ाते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, और प्लस जो आपके क्लाइंट्स होते हैं जो आपके शोज कराते हैं, जब वो आपको इतना प्यार देते हैं तो ये सभी तभी पॉसिबल है। अभी भी ये टूर हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी मैं बीकानेर से कल रात को शो खत्म करने के बाद मैं सोया हूँ, ऑलमोस्ट 5-6 घंटे में सोया हूँ, और अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। सो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, और अभी चल रहे हैं दिल्ली, लेट्स गो।